गाइस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और हॉटस्पॉट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि हॉटस्पॉट प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कैसे हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स पे, सिस्टम सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर आपको रीसेट पे जाना है, तो रीसेट पे जाकर आप हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में। तो देख सकते हैं कि सेटिंग्स से आपके फ़ोन में शो हो रही है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स। तो रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में ऑप्शन आता है कि हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे, देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, जिस पे जाकर पासवर्ड डाल देना है, जिस पे क्लिक करती हॉटस्पॉट और नेटवर्क डाटा सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करती हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी हॉटस्पॉट की और नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करते ही हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट